राम राम किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HR फार्मिंग पे और मैं आपका भाई विजय स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। आज मैं आपको एक छोटा रूटावेटर दिखाना चाहता हूँ जिससे किसानों का जो काम है वो जल्दी होगा और समय की बचत होगी। ये कैसे काम करता है, किन किसानों के लिए ये फ़ायदेमंद है, इसके अलावा तेल की खपत इसमें कितनी होती है, इन सभी बातों का मैं जिक्र वीडियो में करूंगा। तो आप वीडियो में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे बहुत से किसान साथी ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का ट्रैक्टर नहीं है, वे एक एकड़ में, आधा एकड़ में, डेढ़ एकड़ में खेती करते हैं और उन्हें समय पर ट्रैक्टर नहीं मिल पाता जिससे समय पर उनकी फसल नहीं लग पाती, क्योंकि एक एकड़ के लिए, आधा एकड़ के लिए कोई ट्रैक्टर वाला जल्दी से नहीं आता या फिर किसी कारणवश से दूर होने की वजह से भी ट्रैक्टर वाले उनकी ज़मीन समय पर नहीं बाते, जिससे समय पर वे फसल नहीं लगा पाते हैं। उन किसानों के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मेरे बहुत से किसान साथी ऐसे हैं जो सब्जियों की खेती करते हैं, सब्जी की पौध तैयार करके वे बेचते हैं या फिर खुद के खेत के लिए पनीरी तैयार करते हैं। उन किसानों के लिए ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि वे जहाँ नर्सरी तैयार करते हैं वहाँ थोड़ी जगह होती है और ट्रैक्टर अच्छे प्रकार से मुड़ नहीं पाता। अगर ट्रैक्टर द्वारा आप अपने खेत की जुताई करते हैं या नर्सरी की जुताई करते हैं तो वे ऊँची नीची हो जाती है और ये रूटावेटर जो है ये ज़मीन को एक सियार बाता है, कहीं से ऊँचा नीचा नहीं करता। तो सब्जी वाले किसानों के लिए ये रूटावेटर सबसे बेस्ट है और इससे उनका काम जो है बहुत जल्दी हो जाता है। बारिश होने के कारण ये जो नर्सरी है ये ख़राब हो गई थी, हमने इसमें बीज नहीं डाला था, बीज डालने से पहले ही बारिश आ गई थी जिससे यहाँ पर ट्रैक्टर द्वारा जुताई करना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया था। इसलिए हमने जो है इस रूटावेटर का प्रयोग किया है और ये रूटावेटर आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे तरीके से मिट्टी को बिल्कुल बारीक कर रहा है और भुरभुरी कर रहा है। नर्सरी वाले किसानों के लिए एक फ़ायदा और है, जहाँ पर रूटावेटर बहुत गहरी जुताई करता है जिससे मिट्टी जो है नीचे से सील जाती है और वो ऊपर निकल आती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो रूटावेटर है ये ज़्यादा गहराई तक नहीं जाता जिससे नीचे की सील नहीं निकल पाती और आपकी मिट्टी जो है भुरभुरी रहती है और नर्सरी के लिए एकदम परफेक्ट, एकदम बढ़िया जो मिट्टी तैयार होती है, आप बहुत अच्छे तरीके से नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और वो किसान जो बाग लगाते हैं, अमरूद, आम, नींबू, मौसमी, संतरा, चीकू, जिस भी प्रकार का बाग लगाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है, सबसे बेस्ट है, क्योंकि कम जगह पर ट्रैक्टर चला पाना आसान नहीं होता और इस रूटावेटर द्वारा वे अच्छे तरीके से बाग की निराई गुड़ाई कर सकते हैं और अच्छे तरीके से बाग तैयार कर सकते हैं। तो बाग वाले किसानों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, बहुत से किसान साथी सोच रहे होंगे कि ये तेल ज़्यादा पीता है, इसमें तेल की खपत ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है मेरे किसान साथियों, ये पेट्रोल से चलता है और एक एकड़ में एक लीटर तेल से एक बार जुताई कर देता है अपने खेत की। तो आप देख सकते हैं कितना तेल ये खपत करता है, बिल्कुल नाम मात्र का, बिल्कुल कम तेल की खपत करता है। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा और मेरे जो नए किसान साथी मुझसे जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।
किसको है, बुलटा इंजन है। जहाँ तक क्यों बिठावे है ऊपर ऊपर रख समझ दी।